नमस्कार दोस्तों, बजट 2020 में रेजिडेंशियल स्टेटस से संबंधित प्रावधानों में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए गए हैं। और ये अमेंडमेंट सर ऐसे एसएससीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जो नॉन रेजिडेंस का स्टेटस क्लेम करते हैं या जो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट का स्टेटस क्लेम करते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रेजिडेंशियल स्टेटस से संबंधित प्रस्तावित परिवर्तन, प्रस्तावित चेंजेस या अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सर, प्रस्तावित परिवर्तनों पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपके सामने स्कोप ऑफ इनकम के रूप में कुछ जानकारी लेकर के सामने आ रहा हूं, जो यद्यपि आपकी नॉलेज में ऑलरेडी होगी, लेकिन आप यदि इसे समझ पाएंगे तो आगे का डिस्कशन आपके लिए बहुत आसान हो पाएगा। देखिए क्या है कि यदि किसी इनकम का इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्सेशन होना है तो वो दो प्रकार से टैक्सेशन होगा, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि आइदर द इनकम विल बी टैक्स बेस्ड ऑन द सोर्स और इन द इनकम विल बी टैक्स बेस्ड ऑन द रेजिडेंस। यानी भारत में कोई इनकम तभी टैक्सेबल होगी या तो इनकम इंडिया में कमाई गई है, या यदि वो इनकम इंडिया में कमाई नहीं गई तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है। तो यहां सारी गणित शुरू होती है कि मुझे ये डिसाइड करना कि मैं यदि रेजिडेंट नहीं हूं तो मेरी भारत से बाहर कमाई गई इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये जो डिस्टिंग्विशमेंट है, ये डिस्टिंग्विशमेंट करना जरूरी इसलिए हो गया कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होने पर आय के स्कोप में चेंज आता है, कौन सी आय टैक्सेबल होगी कौन सी नहीं होगी, ये रेजिडेंशियल स्टेटस से भी कलर लेती है। मैं आपके सामने इस बात को ऐसा रखता हूं, यदि आप रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ऐसी इनकम जो इंडिया में एक्रू या अराइज होती है वो दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए टैक्सेबल है, चाहे आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। ऐसी इनकम जो इंडिया से बाहर एक्रू या अराइज होती है वो एक रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, परंतु सर एक नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। तो हर वो व्यक्ति जो इंडिया से बाहर जा रहा है किसी प्रकार से काम करने, वो ये कोशिश करेगा या वो ये मानेगा कि अगर मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो जाता है तो मेरी इंडिया से बाहर कमाई गई इंडिया पर इंडिया गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सके। तो यहां पर ही हमारे को जो भी चेंजेस हैं उनके साथ कोरिलेट करके देखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के संदर्भ में आपके नॉन रेजिडेंट होने या नहीं होने पर सरकार नया अमेंडमेंट क्या लेकर के आ रही है। परंतु आगे बढ़ने से पूर्व सर एक तीसरी बात और, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए टैक्सेबल है, चाहे आप रेजिडेंट हैं या चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं। एक और चर्चा सर जो हमें यहां कर लेनी चाहिए कि हु इज अ रेजिडेंट, वास्तव में रेजिडेंट कौन है। रेजिडेंट यानी निवासी, अ पर्सन, और मैं इस वीडियो में सर जो चर्चा कर रहा हूं वो इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति से संबंधित ही कर रहा हूं, बाकी के करदाता को मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। अ पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट व्हेन ही फुलफिल्स वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस मेंशन बिलो। दिस इज इंपॉर्टेंट सर, अगर आप इनमें से एक बेसिक कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो आप इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे। पहली कंडीशन क्या है, ही इज इन इंडिया इन दैट ईयर फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 180 डेज, 182 डेज और मोर। यदि संबंधित व्यक्ति जो ये कहना चाह रहा है कि मैं नॉन रेजिडेंट हूं, वो खुद को नॉन रेजिडेंट प्रूव करने के लिए सिद्ध करे कि वो भारतवर्ष में 182 दिन या उससे अधिक नहीं था। यानी भारतवर्ष में मैक्सिमम कितने दिन था, 181 दिन था। ये वर्तमान व्यवस्था है। दूसरी बेसिक कंडीशन, हैविंग विद इन फोर प्रिसीडिंग ईयर्स That year been in India for a period or periods amounting in all to 365 days or more, is in India for a period or periods amounting in all to 60 days or more in that year। अभी शर्त को समझिए सर कि आप relevant previous year, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति का previous year 2019-20 का residential status decide करने जा रहा हूं, he was not in India say for example for 182 डेज, 82 डेज। यानी मैं मान लेता हूं कि ही वॉज इन इंडिया फॉर 180 डेज, ठीक है, तो प्राइमा फेसाई वो नॉन रेजिडेंट हो गया क्योंकि उसने पहली शर्त पूरी नहीं करी। लेकिन दूसरी बात, ही वॉज इन इंडिया फॉर 180 डेज यानी 60 डेज या उससे ज्यादा, और पिछले 4 साल, इससे पहले के 4 वित्त वर्ष में उसका टोटल पीरियड ऑफ स्टे मान लीजिए 600 दिन आ रहा है। तो ऐसी व्यक्ति में
ऐसे व्यक्ति के केस में, क्योंकि पहली कंडीशन फुलफिल नहीं है पर दूसरी कंडीशन फुलफिल है, तो वो व्यक्ति क्या माना जा सकता है? रेजिडेंट। तो यदि आपको नॉन रेजिडेंट होना है तो आपकी इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो आप बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट बन जाएंगे। ये नॉलेज सर हमारे आगे के डिस्कशन में, जहां पर अमेंडमेंट वाली बात मैं करूंगा, उसके संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पहले ये बात आपके सामने रखी। अब यहां सर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं कि 31 मार्च 20 तक जो व्यवस्था थी, अब नए बजट के प्रावधान अनुसार उनमें क्या चेंज आने वाला है। सो क्वेश्चन मैंने रखा सर, व्हाट इज स्पेशल टू अ सिटीजन वर्किंग अब्रॉड। अब पहली व्यवस्था में कोई चेंज नहीं है। ये पहली व्यवस्था क्या है सर? इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया इन द सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज शेल बी रेड एज 182 डेज। इसका मतलब समझिए सर, अभी मैंने पहले आपसे डिस्कशन किया कि दो में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो रिलेवेंट व्यक्ति रेजिडेंट हो जाएगा। क्या दो बेसिक कंडीशन थी? या तो आपका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 182 डेज रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में है, दूसरी कंडीशन रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में आपका रेजिडेंस इंडिया में 182 डेज से कम है पर 60 डेज या उससे ज्यादा है और उससे पहले के चार सालों में टोटल 365 डेज आ रहा है। अब एक रिलैक्सेशन दिया गया ऐसे व्यक्तियों को जो मान लीजिए किसी इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में इंडिया से बाहर जा रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट के पर्पजेस से इंडिया बाहर जा रहे हैं, तो उनको 60 डेज सेकेंड कंडीशन में 182 डेज देखा जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर किसी इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में जा रहा है या इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, जब तक वो 182 डेज सेटिस्फाई नहीं करेगा इंडिया में तब तक रेजिडेंट नहीं होगा। यानी अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 181 डेज ही होता है तो वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट रहेगा, और नॉन रेजिडेंट होने से उसको क्या फायदा है? इंडिया से बाहर कमाई गई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। पर अब जो ये सेकेंड पॉइंट में यहां पर लिख लाया हूं, ये महत्वपूर्ण है सर, और यही चेंज आया है। अब तक क्या था सर? इन द केस ऑफ एनी सिटीजन बींग सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हु बींग आउटसाइड इंडिया comes on a visit to India in any previous year, in the second basic condition, 60 days shall be read as 182 days. ये relaxation और मिलता था ऐसे व्यक्तियों को सर, जो कि इंडिया से बाहर ही अब निवासी हो गए। से फॉर एग्जाम्पल किसी को यूएस का ग्रीन कार्ड मिल गया, किसी को यूके का ग्रीन कार्ड मिल गया, पीआर मिल गई, और वो व्यक्ति इंडिया में घूमने आ रहा है या वो व्यक्ति अपने परिवार वालों से मिलने आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी रिलैक्सेशन था। सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज की जगह 182 डेज ही देखा जाएगा। अब जो चेंज किया जा रहा है सर, वो क्या किया जा रहा है? इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इन द सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज शेल बी रेड एज 120 डेज। अब आप इसको देखिए सर, अब तक 182 डेज से कम अगर एक व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का था या भारतीय नागरिक है और जो भारत से बाहर ही रहने लग गया और अब भारत में आ रहा है, घूमने आ रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिलने आ रहा है, किसी शादी के पर्पजेस से आ रहा है, कोई भी तरीके से आप मानिए, उसको 60 डेज के आधार पर रेजिडेंस नहीं मानते थे। उसको कब मानते थे? जब उसका पीरियड ऑफ स्टे 182 डेज होता। तो यदि व्यक्ति इंडिया में 182 डेज से कम रह रहा है तो भी उसको क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब ऐसे व्यक्ति का पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कितना कर दिया? 119 डेज। यानी अगर वो 120 डेज या उससे ज्यादा रह गया और पिछले चार सालों में ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंडिविजुअल 365 डेज सेटिस्फाई कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। और ऐसी परिस्थिति में कौन सी इनकम टैक्सेबल हो सकती है सर? ग्लोबल इनकम। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, जो मैंने आपके सामने रखा, जिसके संदर्भ में चेंजेस आना प्रस्तावित है। ये बात हमें इस प्रकार से ध्यान रखनी है। तो मेरे पिछले डिस्कशन से सर, मैं दोबारा एक चीज समराइज करके निकालना चाहता हूं, चेंज इज विद रिस्पेक्ट टू होम। किसके संदर्भ में सर चेंज आया है? एन इंडिविजुअल कम सिटीजन हु लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में कोई चेंज प्रस्तावित नहीं है, यानी पूर्व व्यवस्था चालू रहेगी।
An individual cum citizen who leaves India in any previous year for the purpose of employment outside India, ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में भी 182 डेज वाली सेकेंड कंडीशन को 60 को 182 डेज वाली व्यवस्था लागू रहेगी. थर्ड, एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर, ये व्यक्ति सर परिवर्तन जो प्रस्तावित है उसके जद में उसकी कवरेज में आ जाएगा. और आने का मतलब क्या है सर, ऐसे व्यक्ति को अब तक 181 डेज इंडिया में होने पर भी रेजिडेंट नहीं मानते थे. अब यदि वो व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट नहीं होना चाहता तो उसको पीरियड ऑफ स्टे लिमिटेड रखना पड़ेगा 119 डेज. और चौथा कैटेगरी है एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर. सर ऐसे व्यक्ति के लिए पहले जो दो बेसिक कंडीशन थी, पहली कि ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कोई सिटीजन नहीं है इंडिया में और इंडिया में आ रहा है, वो कब रेजिडेंट होता था, उसके लिए पहले जो व्यवस्था थी वो ही आज भी सेम रहेगी. पहले क्या व्यवस्था थी कि ऐसे व्यक्ति जो कि नॉन सिटीजन है इंडिया में 182 डेज का स्टे नहीं हो. नंबर टू, इंडिया में पिछले साल में 60 डेज का स्टे और उससे पहले के 4 साल में 365 डेज का स्टे नहीं हो. यदि ऐसी व्यवस्था जो पहले थी वही की वही उस व्यक्ति के लिए सेम लागू रखी गई है. सो आई वुड से केवल एक कैटेगरी में सर चेंज आ रहा है, बाकी की सारी कैटेगरीज जैसे पहले थी उसी प्रकार से चल रही है. यहां सर मैं अपनी बात को एक उदाहरण के थ्रू आपके सामने रखना चाहता हूं. आई होप इस उदाहरण से आपको सिचुएशन क्लियर होगी कि मान लीजिए देयर इज अ मिस्टर एक्स जो कि एक इंडियन सिटीजन है और जो कि 2014 से ही यूएस में काम कर रहे हैं और मैं मान लेता हूं उनको वहां का ग्रीन कार्ड मिल गया. मैं कंपेरेटिव पोजीशन दे रहा हूं सर. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 ही विजिटेड इन इंडिया ऑन लीव्स फ्रॉम 1st ऑफ जून 2019 टू 25th ऑफ नवंबर 2019. हिज टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया वाज 178 डेज. सिंस द टोटल पीरियड ऑफ स्टे ऑफ मिस्टर एक्स इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 वाज लेस देन 182 डेज, हेंस ही इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया. अब उसी मिस्टर एक्स का हम वित्त वर्ष 2020-21 का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए वित्त वर्ष 2020-21 में मिस्टर एक्स 1 जुलाई 2020 से 20 नवंबर 2020 तक इंडिया में आए, यानी उनका टोटल पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 143 डेज हो गया. और मैं मान लेता हूं कि पिछले 4 साल में भी सर उनका पीरियड ऑफ स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा था. तो सर क्या होगा इस परिवर्तन वाली व्यवस्था से, since the total period of stay of Mr. X in India during the financial year 2021 was 143 days, that is 120 days or more, hence he will be resident in India. और resident in India होने से क्या चीज हो सकती है सर, global income India में taxable हो सकती है. हालांकि सर एक clarification मैं यहां देना चाहूंगा कि residential status यदि आपका resident हो गया है तो आप resident में भी दो category हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. यदि आप रेजिडेंट तो हो गए परंतु आप बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी सर इंडिया के बाहर एक्रू की गई इनकम, अराइज हुई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, प्रोवाइडेड ऐसी इनकम किसी इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन के कनेक्शन से संबंधित नहीं हो. तो ये क्लैरिटी भी सर हमारे लिए जरूरी है. हालांकि मैं बार बार रिपीट करूंगा कि मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं सर वो प्रपोज टू बी अमेंडमेंट से रिलेटेड है. यानी अभी जब ये बजट 2020 पारित हो जाएगा तब मैं जो व्यवस्था कह रहा हूं वो फाइनल होगी. हो सकता है जब तक ये बजट फाइनल हो इन नियमों में कोई शिथिलता या कोई चेंज आए, और यदि वो चेंज आएगा तो मैं उसे आपकी नॉलेज में लाने की कोशिश करूंगा. जैसा मैंने पहले आपके साथ डिस्कशन किया सर कि रेजिडेंट के अंदर भी दो कैटेगरी है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. यहां आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं सर, हु इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. यहां पर अमेंडमेंट आना प्रस्तावित हो गया है. करंट प्रावधान क्या है और प्रपोज प्रावधान क्या होंगे आप ध्यान से समझिएगा. अब तक सर यदि आप रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने के लिए आपको जो कंडीशन थी वो क्या थी, एज पर सेक्शन 66 अ पर्सन इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ सच पर्सन इज एन इंडिविजुअल
who number A has been a non-resident in India in 9 out of the 10 previous year preceding that year. यानी पिछले 10 सालों में relevant financial year से पहले के 10 सालों में यदि कोई व्यक्ति 9 साल non-resident था, इस साल वो resident हो गया तो वो not ordinarily resident माना जाएगा. और दूसरी condition, और he during the 7 previous year preceding that year been in India for a period or period amounting in all to 729 or less days. ये दूसरी कंडीशन थी सर. यदि इन दो में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो आप रेजिडेंट तो हैं लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माने जाएंगे. अब क्या प्रस्तावित है सर? ये प्रस्तावना जो अब लेकर के आए हैं, ये जो चेंज लेकर के आए हैं सर, ये रिलैक्सेशन के लिए है. इससे नुकसान नहीं होना है, फायदा होना प्रस्तावित है. A person will be said to be not ordinarily resident in India in any previous year if such person is an individual who has been a non-resident in India in 7 out of 10 previous year preceding that year. Yani ek vyakti not ordinarily resident mana jayega yadi relevant financial year se pehle ke 10 saalon mein kinhi 7 saal mein वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट था तो ऐसा व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा. तो ये चेंजेस क्या आ रहे हैं सर यहां पर जो प्रस्तावित हैं? दो शर्तों की जगह अब केवल एक शर्त की जानी प्रस्तावित है. अब जो एक खतरनाक डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं सर, के सरकार ने ये जो अमेंडमेंट प्रस्तावित किया है एक सेक्शन 6 में सबसेक्शन 1A में कहना, हालांकि इसका पर्पस एंटी अब्यूज प्रोविजन है, यानी अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है वर्तमान प्रावधानों का उनको रोकना है, परंतु इसका जो असर है वो व्यापक हो सकता है. इसलिए परहैप सीबीडीटी को या क्लेरिफिकेशन भी देना पड़ा कि वो व्यक्ति जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए हमने ये प्रावधान नहीं बनाया. लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि ओवरऑल इंडिया में अपना स्टे पीरियड इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि वो नॉन रेजिडेंट रहे, साथ के साथ वो दूसरी कंट्री के भी रेजिडेंट नहीं हो रहे हैं. बेसिकली सरकार का ध्यान यहाँ पर HNI कैटेगरी की ओर ज्यादा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की ओर. तो सरकार ये कह रही है इस अमेंडमेंट के थ्रू कि यदि आप किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे डोमिसाइल में, दूसरी टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट नहीं है तो आप इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे. तो ये डिटर्मिनेशन बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आप किसी भी और कंट्री में भी रेजिडेंट नहीं है, आप इंडिया में भी रेजिडेंट नहीं है. अगर आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं है एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा और ऐसी परिस्थिति में ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है. मैं ये नया सबसेक्शन 1A सर आपके लिए पढ़ रहा हूं. नॉट दिस स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1 एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर. तो यदि आप डोमिसाइल, रेजिडेंस या अदर क्राइटेरिया की वजह से भारत से बाहर किसी दूसरे देश में भी रेजिडेंट नहीं है और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की किसी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने की वजह से आप इंडिया में भी रेजिडेंट नहीं है तो सबसेक्शन 1 सुपरसीड करेगा सबसेक्शन 1 को और वो ये कहेगा कि नहीं साहब, फिर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं और अगर रेजिडेंट हैं तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो सकती है. तो यह एक अमेंडमेंट जो कि थोड़ा खतरनाक हो सकता है उस दृष्टि से देखा जा रहा है. हालांकि सीबीडीटी ने इसके ऊपर पॉजिटिविटी के साथ क्लैरिटी दी है एंड वी विल सी इन द टाइम टू कम इफ सम मोर क्लैरिफिकेशन में कम रिगार्डिंग दिस. तो अंत में सर मैं यही कहना चाहूंगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन इज नॉट एन इजी टास्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ, बट यस, इफ यू विल नॉट डील विद दिस टॉपिक केयरफुली then the scope of the income which will be taxable of yours in India may get affected. Therefore, it is very important for any person who is particularly working abroad to see that what will be his residential status in India for a particular financial year so that he may see which income of him will be taxable in India and which will not. So, I have tried my level best that I can give you some clarity on the proposed amendment, but at the end, I repeat that these changes are proposed to be done. Not necessarily they will be finalized. It would depend upon that how this particular finance bill clears from Lok Sabha, Rajya Sabha and then Maniya Rashtrapati Mahoday. So, thank you for the day from my side. Thank you very much.